हम लोगों ने लास्ट जोड़े में माइक्रोसॉफ्ट एक्सल uh, 2013 का जो इंटरफेस है um, उसके बारे में हम लोगों ने कुछ चीज़ें जो हैं वो स्टडी की थी रिबन्स फार्मूला बार नेम बॉक्स एंड देन वी हैव शीट्स पेज लेआउट एंड द टाइटल बार नाउ मैं शीट वन में जाऊंगा और uh, यहाँ पर हम लोग uh, हमारे पास uh, जो सेल है किसी को भी सेलेक्ट कीजिए कंट्रोल को प्रेस करें और अपने कीबोर्ड से जो एरो कीज हैं उसमें लेफ्ट एरो की को पहले पहले प्रेस कीजिए कंट्रोल को प्रेस रखिए और टॉप एरो की जो है जो अप एरो की है उसे आप लोग प्रेस कीजिए तो हम लोग ए वन सेल जो है उसमें ऑटोमेटिकली आ जाएंगे नंबर मेक शुरू कि आप लोगों ने होम टैब जो है इसे चूज़ किया है नव हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि आप लोग किस तरह से जो डाटा है उसे इंसर्ट uh, कर सकते हैं इन टू सेल दिस इज़ वेरी सिंपल और इसके अलावा uh, हम लोग उसके बाद फिर इसके ऊपर जो बेसिक टूल्स हैं बेसिक फॉर्मेटिंग है वो अप्लाई करेंगे सो so, अगर आप लोग एक्सेल सेल टू को हमारे साथ ओपन किया हुआ है तो आप लोग इसमें टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं किसी भी सेल पे आप लोग क्लिक कीजिए एंड देन यू कैन राइट ऑन योर टेक्स्ट व्हिच इज़ गोइंग टू बी ई एम ए डी और ई एस ए डॉट कॉम ना जब मैं इस पर uh, कोई भी टेक्स्ट एड करता हूँ तो आप लोग नोटिस करेंगे कि अगर मैं किसी दूसरे सेल को चूज़ करूं तो ये जो मेरा टेक्स्ट है ये टेक्स्ट जो uh, मैंने यहाँ पर ऐड किया है इसकी जो फ़ॉन्ट साइज़ है दैट्स सिंपल इलेवन फॉन्ट साइज और uh, ये जो है ये टेक्स्ट आपको दो सेल्स में नज़र आएगा विच इज़ नॉट एग्जैक्टली इन टू टू सेल्स ये एक ही सेल में मौजूद है विच इज़ डी अगर आप लोग यहाँ पर नेम बॉक्स में आएंगे तो आपको पता लगेगा कि हम लोग डी सिक्स में हैं। अब अगर मैं अपने कीबोर्ड से एरो कीज की मदद से चाहूँ तो मैं मुख्तफ सेल्स में जा सकता हूँ विच इज गोइंग टू बी अप डाउन लेफ्ट एंड राइट डाउन आप लोग जिस तरह के माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 में बिल्कुल न्यू हैं आई एम आई एम एमजूमिंग दिस कि आप लोग बिल्कुल न्यू हैं इसलिए हम लोग ये जो बेसिक कोर्स है आप लोग फॉलो कर रहे हैं आप लोग यहाँ से एरो की की मदद से आप लोग सेल को सेलेक्ट कर सकते हैं ना वाई आई डूइंग दिस अगर आप लोग काम कर रहे हैं तो आप लोगों को क्विकली बहुत सारे सेल्स में जाना पड़ता है और अगर आप लोग माउस लेके दोबारा यहाँ से क्लिक करेंगे फिर इसमें काम करेंगे दोबारा क्लिक करेंगे काम करेंगे तो उससे बेटर ये है कि आप लोग क्विकली एक्सेस के लिए की का इस्तेमाल करेंगे और एरो की से अप एंड डाउन करेंगे अब अगर मैं यहाँ पर जाऊँगा तो आप लोगों को एक चीज बताता चलूँ कि अगर आप लोग डी फोर सेल में एग्जैक्टली exactly जाएंगे तो आप लोग यहां पर फार्मूला बार में देखेंगे कि इस सेल के अंदर एक टेक्स्ट एडिट है विच इज़ ई बद्रिसा डॉट कॉम अगर आप लोग यहाँ से E4 फोर सेल में जाएंगे तो आप लोग देखेंगे कि फार्मूला बार हमें बताएगा कि इसमें कोई भी टेक्स्ट एडिट नहीं है कोई भी टेक्स्ट इसमें नहीं लिखा गया लेकिन हम लोग E4 में जो टेक्स्ट है वो देख सकते हैं सो so, ये जो ये जो सेल है इस सेल में जो टेक्स्ट लिखा गया है वो इस सेल की से, इस सेल की चौड़ाई से काफी बड़ा है इसलिए ये नेक्स्ट सेल में शो हो रहा है अगर मैं इस सेल पे लिखता हूं तो आप लोग एक चीज नोटिस करेंगे कि हमारे पास ये जो ई मदरिसा डॉट कॉम पूरा लिखा गया है ये फार्मूला वार में पूरा शो हो रहा है लेकिन हमारे पास सेल में शो नहीं हो रहा सो so, जब आप लोग डाटा इंसर्ट करते हैं सेल्स में तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप लोगों को बिल्कुल ये श्योर करना है कि आपका जो टेक्स्ट है वो पूरा नजर आ रहा है मैं उसके लिए मैं यहाँ पे जूम इन करूंगा कंट्रोल को प्रेस करके स्क्रोल करूंगा अपने माउस से ताकि आप लोग एग्जैक्टली और बिल्कुल क्लियरली देख सकें ना हम लोगों ने आ, इस ट्यूटोरियल में आ, कुछ आ, बेसिक चीजें हैं उनको स्टडी करना है उसके लिए हम लोगों ने सबसे पहले डाटा को इंसर्ट करना है सेल में हम लोगों ने डाटा को इंसर्ट किया है जो कि हमारे पास पूरी तरह शो नहीं हो रहा ना आप लोग जो है वो इसको यहाँ से क्लिक करेंगे जब आप लोग इस इस कॉलम और इस कॉलम के सेंटर में माउस पॉइंटर को लेके जाएंगे तो आपके पास एक प्लस डबल हेड एरो का जो पॉइंटर है ये बनेगा आप लोग इसे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद इसे ड्रैग करेंगे तो ये जो कॉलम है इसकी जो विर्थ है इसकी जो चौड़ाई है आप उसे बड़ा कर रहे हैं एग्जैक्टली exactly, जितनी भी रिक्वायरमेंट है आप उसे कर सकते हैं मैं कंट्रोल जेड करूंगा अनडू करने के लिए कंट्रोल जेड से आपका ये जो स्टेप है जो आपने किया है ये रिवर्स हो जाएगा और अब आप लोग इसको दोबारा कर सकते हैं एक तरीका ये है कि आप लोग इसे यहां से क्लिक कीजिए और ड्रैग कीजिए जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप उसके मुताबिक इसको बड़ा कर सकते हैं कंट्रोल जेड करूंगा रिवर्स करूंगा सेम एक्शन को कंट्रोल जेड दोबारा करूँगा और या दूसरा तरीका यह है कि आप इन दोनों कॉलम्स के सेंटर में माउस को लेके जाएं और यहां पे डबल क्लिक कीजिए तो वो ऑटोमेटिकली जो ये सेल है इसकी वृथ को इतना कर देगा जितना इसके अंदर टेक्स्ट लिखा है सो so, अगर मैं यहां पे अब लिखता हूं सो so, आप लोग देखेंगे ये जो टेक्स्ट है ये उस टेक्स्ट से काफी ज्यादा है एंड अगेन आई एम गेन राइट समथिंग तो आप लोग देखेंगे हमारा ये जो टेक्स्ट है ये बड़ा है मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा तो वो एग्जैक्टली exactly इस सेल की चौड़ाई को उतना कर देगा जितनी मेरी रिक्वायरमेंट है जितना मेरा इसके अंदर टेक्स्ट है या अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे क्लिक करके मैं इसकी जो चौड़ाई है उसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक भी एडजस्ट कर सकता हूँ नौ ये जो आ, टेक्स्ट को एडिट करना है ये हम लोग अभी इस, इस ट्यूटोरियल में इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि जब तक आपके पास टेक्स्ट नहीं होगा आप उस टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं करेंगे उस सेल को चूज़ नहीं करेंगे तब तक आप लोग कोई भी जो टूल है उसे अप्लाई नहीं कर सकते आप लोग अलाइनमेंट नहीं कर सकते आप लोग बोल्ड अटैलिक अंडरलाइन जो बेसिक आ, उसकी आ, जो टूल्स हैं उसे नहीं कर सकते आप लोगों ने अगर टैक्स एडिट नहीं किया तो आप लोग किसी भी टैक्स को कॉपी या पेस्ट भी नहीं कर सकते सो इसलिए टेक्स्ट को आप लोगों ने लिखना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है ना हम लोगों ने हम लोगों ने इस ट्यूटोरियल में सिर्फ अभी जस्ट ये सीखा है कि आप लोग किस तरह से टेक्स्ट एडिट करेंगे मैं आपको ये एक मशवरा देना चाहूँगा कि आप लोग इसमें प्रैक्टिस के लिए लिस्ट बनाएं लिस्ट के लिस्ट के लिए आप लोग यहाँ पर हमारे पास ये जो सेल है इसमें आप लोग इस तरह से लिस्ट बना सकते हैं जैसे नेम लिस्ट बना सकते हैं सो लेट्स जस्ट राइट डाउन सम नेम्स सो uh so, इस तरह से आप लोग टेक्स्ट एडिट कीजिए um, और इसके अलावा नेम लिस्ट बना दीजिए फ्रूट लिस्ट बना लीजिए आप लोग यहाँ पर सिटी नेम लिस्ट बना सकते हैं सो जस्ट टेक्स्ट को एडिट कीजिए एडिट करने के बाद वो uh, नाम जो कि बड़े हैं वो नाम जो कि छोटे हैं उसके मुताबिक आप इसकी जो एडजस्टमेंट से कर सकते हैं मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा तो मेरी जितनी भी रिक्वायरमेंट थी ऑटोमेटिकली ये जो सेल है ये श्रिंक हो गया है या इसको आप लोग एक्सटेंड कर सकते हैं श्रिंक कर सकते हैं तो ये ऑटोमेटिकली तो भी हो सकता है ना हम लोगों ने इसमें टेक्स्ट एडिट किया है अब टेक्स्ट एडिट करने के बाद आप लोग इसके अंदर जो बेसिक टूल्स हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं जो बेसिक चीज़ें उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं सो so, इस ट्यूटोरियल में हम लोगों ने टेक्स्ट को एडिट करना सीखा है और ऑटोमेटिकली आपकी जो कॉलम विर्थ है और आपकी जो कॉलम की हाइट है वो भी इसी तरीके से आप लोग कर सकते हैं हम लोग यहां पे एक और चीज करेंगे कि अगर मैं यहां पे लिखता हूं लेट्स से हम लोग एक सेल के अंदर दो नाम लिखना चाहते हैं सो so आप लोग यहां पर आसिम जावेद देखेंगे मैं ऑल्ट को प्रेस करूंगा स्पेस के साथ बिल्कुल आ, लेफ्ट साइड पे आपके पास एक बटन है विच इज ऑल्ट आप उसे प्रेस कीजिए और एंटर को प्रेस करेंगे तो अब आप लोग सेकंड लाइन लिख रहे हैं नाउ अब मैं अगर सिर्फ एंटर को प्रेस करूंगा सो so मैंने यहां पर एक सेल के अंदर दो लाइंस ऐड की हैं इसका एक और छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे अगर मैं यहां पे लिखता हूं और ऑल्ट को प्रेस करूंगा स्पेस आपके पास जो स्पेस की है आपके कीबोर्ड पे उसके लेफ्ट साइड पे ऑल्ट के बटन है उसे प्रेस कीजिए और एंटर को प्रेस कीजिए अब आप दूसरी लाइन लिख रहे हैं ना हम लोगों ने यहां पर दो लाइंस ऐड की हैं अब मैं ऑल्ट को प्रेस किए बगैर एंड्रो को प्रेस करूंगा तो मैंने यहाँ पर आ, दो लाइंस ऐड की हैं अब ये जो मैंने लाइंस ऐड की हैं वो एग्जैक्टली exactly उस तरह मुझे शो नहीं हो रही जिस तरह मैंने ऐड की हैं क्योंकि इसकी जो विर्थ है वो आ, उतनी नहीं है सेल की मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली इसकी जो विर्थ है उसे चेंज कर देगा और मेरे पास जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल ऐसा शो होगा जैसा मैं चाहता हूँ अभी भी यहाँ पर बहुत सारी स्पेस है यहाँ पर बहुत सारी स्पेस है हम लोग किस तरह से इस टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं कि ये हमें ज़्यादा खूबसूरत नज़र आए सेंटर में नज़र आए या यहाँ जितनी टॉप पर इसमें इस इसके इस अंदर जितनी स्पेस है वहाँ बॉटम पर भी इतनी स्पेस होनी चाहिए तो ये नेक्स्ट रोज में हम लोग स्टडी करते रहेंगे हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 में बेसिक चीज़ ये सीखी है कि आप लोगों ने किस तरह से टेक्स्ट को लिखना है सेल्स में ऑटोमेटिकली उसकी जो एंड हाइट है वो चेंज होगी आप लोग उसे चाहे तो खुद भी कर सकते हैं क्योंकि जो रोज़ हैं उसमें भी बिल्कुल सेम यही चीज़ अप्लाई होती है कि मैं इसे यहाँ से क्लिक करके इसे मैं इस तरह से एक्सटेंड कर सकता हूँ सो अगर मैं यहाँ पे जूम इन करूँ जूम इन करने के लिए मैं आपको दोबारा बताता चलूँ कि हम लोगों ने कंट्रोल को प्रेस किया है और माउस से माउस का जो स्क्रोल व्हील होता है उसको हम लोगों ने स्क्रोल करेंगे जब आप आगे करेंगे तो ये जूम इन होगा जब पीछे करेंगे उसे तो ये जूम आउट होगा अगर आप लोगों ने कंट्रोल के बटन को प्रेस रखा है ना मैं यहाँ पे आपको बता बताते चलूँ कि आप लोग इसको इस तरह से इसकी जो हाइट और विथ और हाइट है दोनों आप लोग इस तरह से चेंज कर सकते हैं सो so, हम लोगों ने बेसिक टेक्स्ट को लिखना सीखा है सेल्स के अंदर अब हम लोग इसके ऊपर जो बेसिक टूल्स हैं बेसिक फॉर्मेटिंग है बेसिक ऑप्शनस हैं उनको हम लोग सीख सकते हैं क्योंकि अगर आप लोगों के पास कोई भी टेक्स्ट नहीं है तो आप लोग कभी भी एक्सेल में खाली सेल के अंदर कोई भी चीज़ आप लोग नहीं सीख सकते सो इनश्ल्हू नेक्स्ट ट्यूटोरियल कि हम लोग किस तरह से इसके अंदर जो बेसिक टूल्स हैं वो इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं